Ah, that's a boy you don't know. What if you have to get to near? No, I don't know what it is. Who's? सबसे पहले मैं आपकी वसादत से यही बात कहूंगा कि शर्म की बात है पूरे इलाके के लिए, और उसके साथ साथ आप ये देखिएगा कि बेरोज़गारी किस हद तक बढ़ गई है। 11,000 को भी लोग अब टच करने को आए हैं। और जहाँ तक इसका सवाल है, सोपोर एरिया में दूसरी बार ये वाक़या हुआ है, और मुकामी लोग जो यहाँ पे थे, लोकल लोग जो यहाँ पे थे, शाम तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद हमें इतनी आदत हो गई है, 11 बजे के बाद पावर हुआ, हमें इस चीज़ की आदत पड़ गई कि अब ना जाने 24 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आएगा, ये तो हमें आदत पड़ गई है। इस चीज़ से आपको ये पता लग सकता है। और दूसरी बात इसमें ये रही है कि पुलिस यहाँ पे आई है, उन्होंने FIR रजिस्टर किया है, और हमें अपने पुलिस अहलकारों पे, अफसरों पे पूरा एतमाद है, भरोसा है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये चोर पकड़े जाएंगे। हम ये कहेंगे कि अब टीमें बनने शुरू हो गई है, बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ गई है, ये कोई मामूली चोर नहीं हो सकता है। इसमें एक टेक्नीशियन की भी ज़रूरत होती है, इसमें बाज़ाबता जो पढ़े लिखे जवान हैं, क्योंकि बूढ़ा तो ये काम नहीं कर सकता है, ये एक टीम बनी हुई है, न जाने अल्लाह ना करे कितनी टीमें और बनने को है। बस इसमें खाली हम यही कहेंगे, बेरोज़गारी जितनी भी बढ़ जाएगी, ये हमें देखने को आगे और मिलेगा। बाजन 40 घर की तो बात ही नहीं है, यहाँ 50-60 घर से ज़्यादा ही इंशाल्लाह होंगे इस पर, अगर आप सर्वे करेंगे। हमें तो इस चीज़ की आदत ही हो गई है, अगर 12 घंटे से 14 घंटे से पावर नहीं है, अभी तक हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि पावर हो चुका है। आप इस बात से खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि हमें कौन सा पावर मिल रहा है, 2000 की बिल भी आ रही है, हमें इस चीज़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें 12-14 घंटे तो हमें यहाँ कटौती हो ही जाती है। बस यही सबसे बड़ी वजह है, जब पावर ही नहीं है, अब उन लोगों को भी पता है कि इसमें आधा घंटा पावर आ जाएगा, उसके बाद तो ट्रांसफार्मर सारे बैठे हुए हैं, पावर भी कहीं नहीं है, ये भी इसका एक मेन फैक्टर है।